महिलाओं व बच्चियों पर हो रहे अत्याचार और प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल से मांग की है और संबंधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ को सौंपा। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे अपराध व महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा समय में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज अब नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। हम लोग जो प्रदर्शन करने आए हैं जिला मुख्यालय पर, प्रदेश के अंदर महिलाओं हमारी बच्चियों के साथ जो बलात्कार, उनका उत्पीड़न, उनके साथ छेड़खानी, इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही हैं। आप लखनऊ से लेकर के गोरखपुर तमाम जनपदों में देखें, कई जनपदों में इस उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रशासन क्षमता है हम समझते हैं कि शून्य हो चुकी है। इस सरकार के पास प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, इसलिए आज अपराधी जो छेड़खानी, बलात्कार और हत्याएँ कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों का, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज हर परिवार अपनी बेटी को घर से बाहर निकालने के लिए असुरक्षित महसूस कर रहा है, पल पल छड़ छड़ तिल तिल करके मर रहा है कि हमारी बहन हमारी बेटी के साथ कहीं अपशगुन न हो जाए, बलात्कार जैसी घटनाएं न हो जाए, हत्या न हो जाए। इसी विषय को लेकर के आज हम यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर के मांग करना चाहते हैं ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, साथ ही जो उत्पीड़न में हमारी बहन बेटियों ने अपने आत्मदाह किया, हत्याएं की या उनका हत्या कर दिया गया, उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए और इसमें लिप्त समस्त लोगों को, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों या दोषी लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी बात के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और हत्या की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है। अपराधी अपराध करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, यह बहुत ही शर्म की बात है। इस संदर्भ में उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि प्रदेश भर में दिल्ली की तर्ज पर सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया जाए तथा जहां पर अंधेरे वाला स्थान हो वहां पर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और महिलाओं साथ हो रहे आपराधिक घटना को रोकने के लिए जो भी अधिकारी लगाए गए हैं वह अगर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आज हम लोग, ये महिलाओं का उत्पीड़न इतना बढ़ता जा रहा है कि इसके अलावा कुछ देश ने अब चारों तरफ सुनाई नहीं दे रहा है और हम महिलाओं के ऊपर क्या बीत रहा है, हम क्या सोचते हैं, क्या सोच के सोते हैं, क्या सोच के उठते हैं, इसके इससे सरकार को कोई वास्ता है कि नहीं, हम ये भी सोचते हैं क्योंकि हम लोग अब एकदम बहुत अंदर से कितने ज्वलंत हो चुके हैं और कितने निराशाजनक हो गए हैं कि इसकी कौन पूर्ति करेगा। ये मुख्यमंत्री या केंद्र के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये यहाँ के सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हमारी बहनों बेटियों को ऐसा मनुवादी किस्म का आ रहा है कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। और आने वाला अगर हमारा संविधान बदल गया बाबा अम्बेडकर साहब का, तो हम जितने लोग भी हैं ये हम लोग मनुवादी के हाथों शिकार हो जाएंगे। ये दिन दहाड़े ये महिला बता रही है कि बहुत गुप्त भोगी हर एक इंसान, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक त्राहिमाम करेगा। हमारा संविधान बदलने के लिए आरएसएस, ये जो हमारे आ चुके हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जितने राज्यपाल लोग हैं, इनकी एक मिली भगत है हमारे भारत को हिंदुस्तान कहने के लिए। कौन कहता हिंदुस्तान है, केवल हिंदू रहते हैं भारत में। हम भारत के पूरे जैसे गुलदस्ते में कई रंग के फूल होते हैं, इसी तरीके से हम लोग भाई बंधु मिल के रहते हैं। कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुसलमान वो नहीं है, हम लोग सब रंग रूप वेशभाषा के एक गुलदस्ता के हम लोग महिलाएं हैं। ये क्या किया जा रहा है, इसलिए हमारी महिलाओं के ऊपर इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। ये आरएसएस में और बीजेपी में जितने बलात्कारी हैं, अगर आप पकड़िए या इनके देखिए, ये लोग नोट, हम लोग गरीब हैं ना, ये लोग एक एक व्यास्या, एक एक गलत, जो हमारी बहनाएं हैं उन्हें व्यास्या कहने में भी शर्म आती है। कोई मजबूरी में ये लोग खरीद लेते हैं। हमारी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी रो रही थी मोबाइल पे कि हम लोग जब सुरक्षित नहीं है तो बहनों हम आप लोग को कैसे सुरक्षा देंगे। ये पुलिस महकमा हम लोगों का भी शोषण करता है हर जगह, जहाँ देखो ये महिलाएं खेलने के लिए मिली हैं। आरएसएस वाले हम लोगों की जिंदगी से आबरू से खेल रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम है दरिंदों को कि यही महिलाएं लोगों को अपने तन से पैदा करती हैं, उनके शरीर में जो खून बह रहा है वो अपने स्तन का दूध पिला के खून बनाती हैं।
सर मानी चाहिए योगी और मोदी को, कितना जलील और गिरे हुए हैं कि हम लोग हताशे क्यों हैं। प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, योगी जी को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोग अपने घर में चैन से सो सकें। हमारी लड़कियां घर से बाहर जाती हैं, हम लोग सोचते हैं कैसे आएंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।